उसके लिए है, लेकिन क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते मेरे, मेरा शायद एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ मॉक्स। वो सेल्फ स्टडी से ही मेनली हुआ था, इस जगह से मैंने मॉक टेस्ट सीरीज ले ली थी। बाकी मॉक के जो रिव्यूज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन बट स्टिल क्लियर हो गया। जो क्वेश्चन में पूछा आप स्पेसिफिकली उधर चले जाइए, गलती हम लोग ये करते हैं कि हम लोग एक ही जगह पे जो उसने नहीं पूछा है वो भी बताने लगते हैं। तो थर्ड ईयर तक तो आप कॉलेज लाइफ एंजॉय की, अगर प्रिपरेशन करनी है तो फोर्थ ईयर या फिर उसके बाद आप कर सकते हो, पहली आना इतना तो नेसेसरी नहीं है। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हमारे साथ हैं उत्कर्ष भैया जो अभी अभी अपना यूपीएससी इंटरव्यू देकर आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन भैया फॉर अपीयरिंग इन इंटरव्यू। थैंक यू। तो सबसे पहले आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था एंड आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था। मेरा नाम उत्कर्ष मिश्रा है, मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था ये, और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और ऑप्शनल सोशियोलॉजी। ओके, तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, बोल्ड भी काफ़ी कॉर्डियल था और ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड आपने मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे क्या पहले? हाँ, कहीं कुछ जगह दिए थे। तो कितनी हेल्प हुई मॉक इंटरव्यू से, एक कैंडिडेट को देने चाहिए उससे हेल्प रहती है या फिर उससे फालतू का प्रेशर आ जाता है? मेरे ख्याल से कुछ आप वैसे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन आप कुछ दे सकते हैं, बस वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए थोड़ी बहुत आप एक काम एक माइंड से आप कर पाएँ वहाँ पे, उसके लिए है, लेकिन क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते मेरा शायद एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ मॉक्स। एंड आपने सोशियोलॉजी की तैयारी कैसे की थी, क्या स्ट्रेटजी रखी एंड क्या क्या मेन रिसोर्सेज थे उसके? सोशियोलॉजी की मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी और रिसोर्सेज मैंने बस कोचिंग के नोट्स ही किए थे और बस, और जो टेस्ट सीरीज जो होती है उसके आंसर्स बस वहीं से। एंड आपने मेंस के लिए कैसे तैयारी की थी, उसकी कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी? वो सेल्फ स्टडी से ही मेनली हुआ था और एक जगह से मैंने मॉक टेस्ट सीरीज ले ली थी। बाकी मॉक टेस्ट बस आपको पेपर कंप्लीट कराने में और थोड़ा स्ट्रक्चर में करने में आंसर में आपको मदद करते हैं। बाकी मॉक के जो रिव्यूज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन बट स्टिल क्लियर हो गया। तो एंड जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आई थी क्या? जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सबसे पहले उन्हें यही डर रहता है आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, तो आपने उसकी कैसे पूरी तैयारी की? आई थिंक डरने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप एक बार स्टार्ट कर दीजिए, एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन जब हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए अपना आंसर राइटिंग। और एक स्ट्रक्चर होता है आंसर राइटिंग का, इंट्रोडक्शन लिख दिया, बॉडी लिख दी, कंक्लूजन लिख दी, जो क्वेश्चन में पूछा आप स्पेसिफिकली उधर चले जाइए। गलती हम लोग ये करते हैं कि हम लोग एक ही जगह पे जो उसने नहीं पूछा है वो भी बताने लगते हैं, वो एक मेरे को लगता है सबसे बड़ी एक गलती करते हैं। बाकी वैसे भी लिमिटेड एक टाइम होता है, 7 मिनट का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लिख सकते हैं, तो बी स्पेसिफिक और एग्जाम्पल लिख दीजिए कुछ, अगर फैक्ट उसको सब्सटेंशिएट कर रहा है उसको कर दीजिए। एंड सर, जैसे आपने बीटेक किया है तो आपने पहले से सोच रखा था कि यूपीएससी करना या फिर बीटेक करते करते ख्याल आया ऐसे ज़्यादातर स्टूडेंट इंजीनियरिंग वाली सेलेक्ट हो रहे हैं तो हमको भी यूपीएससी ट्राई करना चाहिए? मैं फोर्थ ईयर में मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा था, तो सिविल सर्विसेज के बारे में सबको पता ही होता है, तो मैं तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इस फील्ड में, मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा इस फील्ड में था कॉलेज में एनजीओ में काम करने का, तो मैंने वही किया, इसीलिए मैंने ये फील्ड। जैसा कि आप सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ तक आ गए एंड आप काफ़ी यंग भी लग रहे हैं, तो आपके कैसे क्या क्या मेन स्ट्रेटजी थी, आपका क्या डेली रूटीन था जो आप यहाँ तक इतनी जल्दी आए? डेली रूटीन बस इतना ही था कि जो टारगेट है उसको आप कंप्लीट करिए, एक लेवल तक ही आप पढ़ सकते हैं, जैसे आप 6-7 घंटे से ऊपर मैं नहीं पढ़ पाता था, लेकिन इतना आपको पढ़ना है कि जो सिलेबस में दिया है वो स्पेसिफिक, एक मिनिमम लेवल ऑफ मेहनत आपको करनी है, रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए और एक दिमाग में क्लैरिटी रखिए कि जो ये सोर्स है मैं बस इतना ही करूँगा, प्लस PYQs उसको आप अच्छे से कीजिए। एंड करंट अफेयर्स कितने रेलिवेंट हैं एंड आपने उन्हें कहाँ से कवर किया था? करंट अफेयर्स के लिए मैं ओनली IAS का प्रीलिम्स बूस्टर होता था, मैंने बस उसी को रेफ़र किया था और कोई मंथली मैगजीन मैंने ऐसे रेफ़र नहीं की थी, लेकिन करंट अफेयर्स मैं कहूँगा पहले आप स्टैटिक को पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, स्टैटिक पोर्शन, उसके बाद करंट अफेयर्स बस एक एड ऑन होता है, 70% आपको स्टैटिक रखना है, 30% आपको करंट अफेयर्स पर फोकस रखना है। एंड ऐसे अब CSAT टफ होता जा रहा है तो आपको भी कोई इसमें प्रॉब्लम आई थी क्या? CSAT अब टफ हो रहा है और मेरे ख्याल से अब कोई एक सेक्शन लेकर के आप नहीं जा सकते, या कि आप कॉम्प्रिहेंशन करके चले जाएँ और एक्सपेक्ट करें कि CSAT
में हो जाएगा, आपको सब में एक मिनिमम मेहनत तो करनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंशन हो चाहे मैथ हो। तो मेरा भी अब की बार मैथ तो उतना अच्छा नहीं गया था, कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे ही मेरा भी सी साइड निकला है अब की बार। एंड जैसे भैया जो कॉलेज स्टूडेंट है अभी थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करें या फिर पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें? मेरे ख्याल से थर्ड ईयर तक तो आप कॉलेज लाइफ इंजॉय कीजिए, अगर प्रिपरेशन करनी है तो फोर्थ ईयर या फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। अगर आपने मन बना लिया कि करना है तो आप फोर्थ ईयर से स्टार्ट कर लीजिए। एंड जैसे आप सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ तक आ गए हैं तो दिल्ली आना मतलब ज़रूरी है या फिर घर रह के भी हो सकती है? मेरी मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन घर पे ही हुई है तो दिल्ली आना उतना तो नेसेसरी नहीं है। ओके भैया, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट।